कहना चाहूंगी, मैंने अपना वोट डाल दिया है, आप भी अपना अपना वोट राष्ट्रीय हित में देश को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें। बड़ी संख्या में निकलकर आप अपना अपना मतदान जरूर करें। मेरे सभी परिवारजन, पूरे लोकसभा क्षेत्र के परिवार आज सब लोग मतदान कर रहे हैं। आज हम खड़े हैं, हमारे जो ग्रामीण हमारे सभी परिवार हैं सबके साथ हैं और सब हम सबने मतदान किया है आपके माध्यम से। हम पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों से, अपने परिवारजनों से आग्रह करेंगे कि आप मोदी के परिवार हैं, आप हमारे परिवार हैं, आप सब लोग घर से निकलकर बूथ पर जाकर आप अपना अपना मतदान अवश्य करें और राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र को तीसरी बड़ी शक्ति बनाने के लिए अपना मतदान करें। एक चौथाई समय बीत चुका है, मतदान को लेकर क्या रुझाने मिल रहे हैं? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ से जहां जहां से ये सूचनाएं आ रही है, सभी 6 विधानसभा का अगर कोडरमा की बात करें, सभी जगह से जो सूचनाएं आ रही है बहुत अच्छे, अच्छी संख्या में और बहुत ही अच्छे रुझान के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। और उसके साथ जो चतरा और हजारीबाग का है, वो दोनों लोकसभा में भी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड पिछले बार के चुनाव में आपने कायम किया था मैडम, इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी ये रिकॉर्ड टूटेगा, लोगों का जो स्नेह आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है तो ये रिकॉर्ड टूटेगा। भाजपा का दावा है, एनडीए का दावा है कि 14 की 14 सीट झारखंड का भाजपा। बिल्कुल सही बात, सही आपने कहा है। एनडीए को भारतीय जनता पार्टी 13 और एक एनडीए 14 के 14, झारखंड का 14 सीट एनडीए के झोले में आने वाला है।